अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आप सबकी बजिया और आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूं साबूदाने और आलू के कटलस। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ कप साबूदाना लिया था और इसको 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था और इसके बाद इसका पानी छान लिया है। ये 3 मीडियम आलू हैं, इन्हें बॉयल करके रख लिया है। ये हाफ कप जो है गाजर है, हाफ कप शिमला मिर्च और ये हरी प्याज है और एक ये लेमन है। ये 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून जो है चिकन पाउडर है और 1/2 टीस्पून जो है नमक लिया है मैंने, क्योंकि ये सोया सॉस में भी नमक होता है और चिकन पाउडर में भी। और ये 1/2 टीस्पून जो है मैंने काली मिर्चें ली हैं, एक अंडा लिया है और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं और ये ऑयल है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। हम ये सारे मसाले डालेंगे, सोया सॉस, इसके बीज निकाल लो, इसे भी नहीं छोड़ लूँगी। अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो हाथों से होता है वो चमचे से तो होता नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। ऑन है ये, इस तरह से हम इसके बना लेंगे। तो अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कटलस मैंने बना लिए हैं, ये अंडा फेंट लिया है और ये मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने रख दिया है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई करेंगे ताकि ये हल्की आंच पे जाए वो अंदर तक पक जाएं। अगर आंच तेज़ होगी तो ये ऊपर से फौरन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे।
हम इसे हल्की आंच पे तलेंगे, फौरन इसको नहीं छेड़ेंगे, 2-3 मिनट के बाद छेड़ेंगे वरना इसकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। ये बहुत हल्के हल्के आंच पे सिक रहे हैं, 1 मिनट बाद इसे पलट दूंगी। ये देखें अच्छे से फ्राई हुआ है। दोनों तरफ से सीखें, ये हमारे साबूदाने और आलू के कटलेट्स जो हैं तैयार हो गए हैं। आप इसे केचप के साथ लें या किसी भी चटनी के साथ, ये बहुत मज़े के लगेंगे। आप ये जो है शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं और स्कूल में बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं। आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने। और अब अगली डिश तक के लिए अपनी बच्चियों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।